नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ़ोन पे आप सभी लोग यूज़ करते होंगे क्योंकि फ़ोन पे का जो 100 मिलियन डाउनलोडेड प्ले स्टोर में और उसमें से आप एक भी होंगे। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फ़ोन पे को बहुत दिन बाद ओपन करते हैं या फिर हमें जो फ़ोन पे का जो पासवर्ड होता है वो हमें याद नहीं रहता है। जैसे ही आप ओपन करते हैं अपने फ़ोन पे को तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आता है, जो भी आपको प्रोफाइल पिक लगा होगा और लॉगिन इस करके यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर होगा यहाँ से एग्जांपल के लिए इस तरीके शो करेगा और उसके सामने यहाँ पर इंटरफेस आता है प्रोसेस टू लॉगिन, उसके बाद आता है यूज़ डिफरेंट मोबाइल नंबर। तो जो भी आपका यहाँ पर फोन मोबाइल नंबर होगा आप यहाँ से एंटर करते हैं या फिर जैसे आप जाते हैं यहाँ पर प्रोसेस टू लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पर मांगा जाता है एंटर यू 4-डिजिट पासवर्ड। तो आपको पता ही नहीं कि आपका फ़ोन पे का पासवर्ड क्या है तो आप कैसे लॉगिन होंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है तो यहाँ पर एग्जाम्पल के चलिए मुझे पासवर्ड मुझे जो कि नहीं पता है तो हम यहाँ जैसे यहाँ से क्लिक करते हैं लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अनबिलीवेबल टू प्रोसेस प्लीज टेक लेटर का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर जो कि मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, जो भी आपका फ़ोन पे मोबाइल नंबर होगा। चलिए हम यहाँ से एंटर कर लेते हैं मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद प्रोसेस टू पर क्लिक करेंगे और प्रोसेस टू पर क्लिक करने के बाद फिर आपसे यहाँ मांगा जाएगा पासवर्ड आपका जो भी है। तो आपको तो पता ही नहीं आप क्या करेंगे, तो सिंपली आप देख सकते हैं लॉगिन विद ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ मोबाइल नंबर शो होगा और ओटीपी आएगा आपके SMS पे। अगर आपका वो सिम कार्ड इसी फ़ोन में लगा होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके जो है कि देख सकते हैं ओटीपी आया ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके जो कि फ़ोन पे हमारा ओपन हो गया। तो इस तरीके से अगर आप अपने पासवर्ड भूल जाते हैं फ़ोन पे का तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन पे ओटीपी के थ्रू जो कि आप लॉगिन कर सकते हैं इंस्टेंटली अपने फ़ोन पे को। अगर आपका और जो कि लॉगिन करने से पहले इस बात का ध्यान रखें, आपका जो भी सिम कार्ड होगा जिस भी सिम कार्ड से आपने अपना फ़ोन पे अकाउंट बनाया होगा तो आपका सिम कार्ड जो है कि इस डिवाइस में लगा होना चाहिए जिसमें आप अपना फ़ोन पे अकाउंट को लॉगिन कर रहे हैं।